नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्निकल दुनिया चैनल पर टेक्निकल से जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इस चैनल पे अपलोड की जाती है, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे इस चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। आज की जो टॉपिक है उस टॉपिक पे आज हम बात तो करेंगे ही, साथ ही एक नए टूल के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल आप अच्छे तरीके से अपने चैनल पे कर सकते हैं और उसका बेनिफिट एट द सेम टाइम एट छोटे टाइम में आप उसका एडवांटेज और उसका प्रॉफिट उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो कोई भी चैनल जब शुरुआत करता है, मान लीजिए कोई भी चैनल आप यूट्यूब पे शुरुआत करते हैं तो आपका मेन मोटिव होता है सब्सक्राइबर गेन करना, व्यूज गेन करना, और उसके परे ये होता है कि आपको पैसा कैसे कमाना है। पैसा जो आपका मेन इंटेंशन होता है वो आपका प्रॉफिट इनकम और पैसा होता है। तो आज हम बात करेंगे, जैसे आप कोई वीडियोस बनाते हैं तो वीडियोस बनाते समय आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जब आप उसको पब्लिश करते हैं तो आपको मोनेटाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। होता क्या है कि पहले तो आपको ग्रीन डॉलर मिल जा रहा था लेकिन अब बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जिसमें आपको येलो डॉलर का सिंबल मिलता है, और अगर येलो डॉलर का आपको सिंबल मिल गया किसी वीडियोस में तो समझ जाइए कि आप जो पैसा है इत्तू कमा रहे हैं, मतलब जीरो लगभग जीरो रुपए के अकॉर्डिंग एक अराउंड ही कमा सकते हैं, चाहे आप उस पर मिलियन ट्रिलियन बिलियन जितना भी आप उस पर व्यूज गेन कर लें आपके पैसा नहीं मिलता है, उस पर पैसा एकदम नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई क्रिएटर के लिए, लेकिन यूट्यूब कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने के लिए आपको मौका भी दिया, क्योंकि उसमें आपको मौका दिया कि आप उसको रिव्यू में डाल सकते हैं एंड आफ्टर रिव्यू द यूट्यूब विल रिव्यू दिस वीडियोज आफ्टर 24 आवर्स दे विल गिव द डिसीजन। कह रहा है कि अगर आप उसको अप्लाई करते हैं उसको रिव्यू में डालते हैं तो यूट्यूब उसको मैनुअली रिव्यू करता है, देखता है कि आपको क्यों ग्रीन आपका येलो क्यों हुआ, तो उसको रिव्यू करता है। अगर उनको लगता है कि आपका ये वीडियो सही है तो फिर आफ्टर दैट उसके बाद आपका जो है उसको ग्रीन डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 24 घंटे में जो आपके बड़े जो व्यूज होते हैं, जो 24 घंटे के स्टार्टिंग के जो व्यूज होते हैं उसमें तो आपका पैसा गायब, उसका तो पैसा आपके नहीं मिलेगा, उसके व्यूज के पैसा तो नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इतने लोग होते हैं कि उनका इतने लोग होते हैं कि उनकी वीडियोज अपलोड की जाती है 24 घंटे में, मान लीजिए 10 लाख व्यूअर आ गया और 10 लाख व्यूअर आ जाएगा और उसका मोनेटाइज येलो है तो फिर उसका बेनिफिट वो यूट्यूबर नहीं उठा सकता है और उसको रिव्यू में डालेगा आफ्टर 24 आवर्स क्या होगा क्या नहीं, अगर होगा भी तो इसके जो व्यूअर्स हैं उसका तो पैसा नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्रिएटर्स के लिए, लेकिन YouTube एक ऑप्शन के तौर पर उन्होंने ऐसा दिया था। बेसिकली ये क्या होता है कि जब हमारा येलो और डॉलर आता है तो इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि कीवर्ड्स डालने के बाद वहां पे ऑलरेडी प्रोग्रामिंग की होती है और जैसे ही आप वो कीवर्ड को अपने वीडियोस में डालते हैं वो वहां पे उसको पकड़ लेता है और इसके बाद आपके जो चैनल के मोनेटाइजेशन है उसको आप येलो कर देता है। तो ये समस्या है। तो कई सारे कीवर्ड्स आप अगर काम करते होंगे तो आपको समझ में आ जाता होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसा कीवर्ड्स करना चाहिए, कैसा कीवर्ड्स डालना चाहिए ताकि उस प्रकार की समस्या ना आए, क्योंकि इसमें जो वायलेंस वाली टर्म होती है, जो कुछ अलग दिखे जैसे मारपीट होता है, आपको सेक्सुअली हैरेसमेंट का होता है या फिर कोई आप लोगों के बीच कोई अफवाह फैला रहे हैं, कोई वायरल चीज़ें कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ही कुछ ऐसी चीज़ें होती है। आप अगर रेगुलर काम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस पे येलो होगा किस पे ग्रीन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप जज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये था आपके पास कि आप उसको जब आप पब्लिश कर रहे हैं वीडियो उसी टाइम आपने कीवर्ड्स पे ध्यान दे, टेक्स्ट पे ध्यान दे और अपने टाइटल्स पे ध्यान दें कि ऐसी वॉयलेंस वाली चीजें और ऐसी चीजें हम ऐसे टर्म ना यूज करें जिसके चलते ऐसा आपको डॉलर ना ऐसा सिंबल ना आए और आपका जो है पैकेज वो ग्रीन हो जाए। तीसरी चीज़ में आप क्या कर सकते हैं कि अब कोई भी वीडियोस अपलोड करते हैं तो उसको आप प्राइवेट कर दीजिए एंड प्राइवेट करने आप उस वीडियोस को बिना पब्लिश किए हुए प्राइवेट कर दीजिए और प्राइवेट करने के दौरान उसको रिव्यू में डाल दीजिए। तो हो सकता है कि यूट्यूब कुछ समय में 24 घंटा नहीं लेकिन उससे पहले समय में उस चीज़ को पहले ही वेरीफाई कर देगा, वेरीफाई कर देगा कि आपके चैनल पे कौन सा होगा ग्रीन होगा या फिर आपके चैनल पे येलो मोनेटाइजेशन होगा। इसके बाद अगर वो रिजल्ट आता है आउटपुट आता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप पब्लिश करते हैं तो उसका ये बेनिफिट मिल सकता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी देश में हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से हमारा देश लॉकडाउन में है और पूरा अलग अलग वर्ल्ड में सारी जो देशें हैं वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रही है, तो उस स्थिति में अभी क्या होता है कि अभी हम कोई पैकेज डाल रहे हैं कोई काम कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे चैनल पे अगर येलो आ जाता है तो हम उसको रिव्यू में डालते हैं तो आपको पता है कि यूट्यूब ने पहले ही आपको बता चुका है कि जो आपके चैनल के जो भी चीज़ें होगी मैनुअली उसको हम डिटेक्ट करने में लेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉय है वो लॉकडाउन के चलते छुट्टी पे चल रहे हैं जिसके चलते वो उन्होंने ऐसे पहले अनाउंस कर दिया था। तो ये चीजें हैं। अगर इस समय अगर आप कोई वीडियो डालते हैं और आप कमा लीजिए कि जो चैनल है वो आपके
येलो हो गया, उसको रिव्यू में डालते हैं, आफ्टर 24 आवर्स कोई रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि वहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो यूट्यूब ने उन लोगों के लिए जिनके अभी येलो हो जा रहे हैं उनके लिए एक अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है सेल्फ सर्टिफिकेशन टूल। नया अभी लॉन्च किया है सेल्फ सर्टिफिकेशन टूल। इसका मदद से इसके मदद से हम क्या कर सकते हैं कि अपने वीडियोस को उसी टाइम रिव्यू में जब हम मोनेटाइजेशन के लिए जब हम कोई वीडियोस अपलोड करते हैं और जब मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आता है उस समय जो करते हैं तो वहां पे हम कर सकते हैं। और ये कंटेंट उसी समय करना है जब आपको लगे कि नहीं ये इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आपत्तिजनक चीज़ नहीं है, ऐसे कुछ वॉयलेंस वाली चीज़ें नहीं है, ये जा सकता है इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, तो उस स्थिति में ही आप उस टूल को यूज कीजिए। सेल्फ सर्टिफिकेशन जो टूल है उस टूल को यूज कीजिए। अगर आप किसी भी वीडियोस के लिए इसको अप्लाई कर दें तो हो सकता है कि आपके चैनल में प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आप सजग रहें, ध्यान दें और अच्छे तरीके से उसको सोच विचार के उस टूल का इस्तेमाल करें। लगता है आपको 100% श्योरिटी लगता है कि हाँ ये सही कंटेंट है, इसको हम कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में उस परिस्थिति में आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन टूल बहुत सारे चैनल पे अपडेट भी हो चुका है और बहुत सारे चैनल पे अपडेट नहीं हुआ है, तो जिन पे अपडेट हुआ है वो इस चीज का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सारी चीजें थी, 3-4 चीजें थी जो कि आपको मैं बताया, लेकिन जो नया टूल आया उसके बारे में मैंने ब्रीफ किया। जो आए होंगे उनके मेल पे नोटिफिकेशन आ गया होगा कि आप जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उसको कीजिए और अपने कम समय में वीडियो को मोनेटाइज करके पैसा अच्छा कमाएं। बस भगवान से दुआ करूंगा कि आपका चैनल ऐसे ही चलता रहे और फिर इस टूल के माध्यम से और आप जल्दी बेहतर कर सकें और येलो से अपने जो मोनेटाइजेशन उसको ग्रीन कर सकें और अच्छा पैसा अर्न कर सकें। बाकी इसी प्रकार की जो भी अपडेट्स यूट्यूब से रिलेटेड होती रहेगी, टेक्निकल से होती रहेगी, मैं आप लोगों के बीच लेकर आता रहूंगा। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके चैनल पे अपलोड की जाएगी और आपके पास सीधे पहुंचाई जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बारे में जो भी वीडियोस होगी मैं आगे लेकर आऊंगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।